जैपनीज़ लैंग्वेज में जे जरूरी क्यों है जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैपनीज़ लैंग्वेज करने वालों का चाहे इंडिया में हो चाहे जापान में हो हम लोगों की यही पहचान होती है कि जे का लेवल क्या है चाहे आप जॉब के लिए जाएँ चाहे आप वीज़ा के लिए जाएँ तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जे की असली रिक्वायरमेंट असली ज़रूरत क्यों होती है हमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल भी है तो ध्यान से सुनते रहिए वेलकम टू निहोंगो मैक्स मेरा नाम है रवि चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जे की ज़रूरत होती है बहुत सारी और भी जगहें हैं जैसे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आ, वर्क एप्लीकेशन के लिए वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आ, या फिर आ, इंडिया में अगर आपको जॉब करनी है या इंडिया में अगर आपको इवन फ्रीलांसिंग काम भी करना है तो भी उसके लिए जे की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है क्योंकि जे को एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि आ, ये उन लोगों का क्राइटीरिया बताता है उन लोगों का लेवल बताता है जो कि जैपनीज़ लैंग्वेज को सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं कितने टाइम में आपने उसको कवर किया है कब कवर किया है आ, कौन सा लेवल कवर किया है ये सारी चीज़ें मिला जुला के आपका लेवल बताती हैं तो बात आती है लेवल की अगर हम जे को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें आपको पता ही होगा फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूँ कि इसमें लिसनिंग का भी क्वेश्चन होता है कॉम्प्रहेंशन का भी होता है वोकेबलरी की भी टेस्टिंग होती है तो ये सब चीज़ें जैपनीज़ लैंग्वेज को हर एंगल से टेस्टिफाई करने के लिए आ, पूछी जाती हैं कि आपको सिर्फ एक ही एंगल नहीं आता है सभी तरह से आप जैपनीज़ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं तो बात आती है जे की जरूरत जॉब और वीजा के लिए तो है ही है जो मैं कहना चाहता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जे आपको खुद एक कॉन्फिडेंस देता है आपको खुद एक आ, लेवल अचीव मैंने कर लिया है ये बात की मोटिवेशन देता है अगले लेवल्स को अचीव करने के लिए अगर जे ना होता तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड ना होता हमारे पास एक क्राइटेरिया ना होता कि हम अपने आप को भी ये कह सके कि जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्री मैंने क्लियर कर लिया तो मैं मिडिल लेवल तक पहुंच गया हूँ हालांकि एंथ्री मिडिल लेवल नहीं है मैं ये Uh, मतलब ऐसा नहीं है एन टू लेवल तक जाके ही कह सकते हैं हम के मिडल लेवल तक है कोई बात नहीं लेकिन फिर भी एटलीस्ट एन थ्री लेवल अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप ये कह सकते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के कह सकते हैं कि मैंने एन थ्री लेवल क्लियर किया हुआ है और अब मैं जॉब uh, के लिए हायरेबल हूँ एम्प्लॉयबल हूँ मैं एटलीस्ट अप्लाई uh, कर सकता हूँ और uh, अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ uh, कह सकता हूँ कि मैंने एन थ्री लेवल क्लियर किया हुआ है तो मुझे शर्म भी नहीं आएगी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये एक साइकोलॉजिकल एंगल आपको याद रखना पड़ेगा कि जे सिर्फ़ एक आ, प्रेशर की तरह नहीं कि मुझे एक जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है जे आपको अपनी खुद की मोटिवेशन के लिए भी पार करना चाहिए जिसमें आपको आ, पता चलेगा कि अगर मैंने जैपनीज़ लैंग्वेज को स्टडी किया है तो सिर्फ कांजी कांजी याद करके या थोड़े से वर्ड्स का मीनिंग याद करके ही काम नहीं चलेगा जैपनीज़ लैंग्वेज में थोड़ा सा कल्चर भी आपको समझना पड़ेगा जैपनीज़ लैंग्वेज सीखते सीखते वो ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि इंडिया में भी या इंग्लिश में भी आ, कुछ ऐसे सेट एक्सप्रेशन होते हैं जो उसी देश के लोग उस तरह से बोलते हैं चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो फूड से रिलेटेड हो या आम तौर के कल्चर से रिलेटेड हो इसी तरह से जापनीज़ लैंग्वेज में भी आपको बड़े सारे ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो कि आपको जैपनीज़ लैंग्वेज के का असली आ, जानकार बनाती हैं आपकी जैपनीज़ लैंग्वेज के नॉलेज को रिच करती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है जे की जिसको हम जैसे अगर आपने सुना हो तो और भी इसके रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं जो कि जैसे बिजनेस जैपनीज या फिर एक सिर्फ कांजी का एग्ज़ाम होता है तो उसके क्राइटेरिया के लिए भी कभी कभी जे मांगा जाता है तभी आप उस एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं और अपने एडवांस करियर मतलब करियर को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं तो इनको अगर आप चेक करेंगे जैसे जापान में भी बहुत सारे पैक्यूलियर एग्जाम्स होते हैं उसका सिर्फ जैसे तीन लेवल्स हैं तो उसका ई अगर आपने देना है ई का मतलब है लेवल वन अगर देना है सबसे फाइनल लेवल देना है तो एटलीस्ट जे का आपको एन टू पार होना चाहिए तब आप उसका लेवल वन दे सकते हैं तो ये सब ज़रूरतें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जे सबसे बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे शुरू का एग्ज़ाम है जो कि आपके असली जैपनीज़ लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को बताता है तो सबसे पहले अगर आप जे एल पर फोकस करते हैं तो बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे कांजी की प्रोफिशिएंसी नहीं हो नहीं है मेरे अंदर या फिर मुझे लिसनिंग की प्रोफिशिएंसी नहीं है मैं कायवा नहीं कर पाता तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो जे इतना बड़ा एग्जाम होता है उसके नीचे ही दब जाती हैं कहने का क्या मतलब है कि अगर आप जे को प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं जो कि आपको आ, मतलब बाकी सब एंगल्स में भी परफेक्ट बनाती हैं तो एक तीर से दो निशाने का मतलब है कि जे की ही प्रिपरेशन करिए आप ये मत सोचिए कि इससे मैं बच के किसी तरह से जैपनीज़ लैंग्वेज का जैसे कोई कायवा कोर्स करके कुछ जॉब वगैरह कर पाऊँ अच्छी बात है लेकिन आप अगर जे को अपना स्टैंडर्ड मानेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत फास्ट और फायदेमंद होगा दैट्स ऑल और दूसरी बात की न्यहोंगोमैक्स डॉट कॉम टोटली टोटली जे एल पी टी बेस्ड कोर्सेज आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही स्पेसिफिक लेवल्स के साथ मिल जाएगा और बहुत ही कम कॉस्ट में तो आज ही जाकर देखिए निहोंगोमैक्स डॉट कॉम थैंक यू सो मच